मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। जरा थर दे बच्चों का खून चूसे, मैं वो जालिम सरदारी नहीं। जरा थर दे बच्चों का खून चूसे, मैं वो जालिम सरदारी नहीं। जिस कौम की बच्चियों नाच नचाया, जिस कौम की बच्चियों नाच नचाया, मैं वो इमरान मदारी नहीं। मैं घाटे वोट का मुल पावांगा, मैं रिजवी हां पटवारी नहीं। रियासत मदीना का नाम लेकर कौम की बेटियों को नचाने वाला आज ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज रहा। अलामा खादिम हुसैन इसी फरमाया करते थे, या अल्लाह इन सारे नु गिन ले, कल्या कल्या करके जलील करके और बाबा जी की ये दुआ का असर है। आप देख लें कि सब जलील हो रहे हैं इंशाल्लाह। कल फरदोस आशिकवान अपने मोहल्ले में वोट मांगने के लिए गई है तो उसको औरतों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कभी आप जरदारी के साथ होती है, कभी इमरान खान के साथ होती है, आप इस्तेकाम पार्टी में चली गई है जंगीर तरीन खान के साथ, तो उन्होंने बेस करके उसको निकाला है। शॉर्ट बात करूंगा, छोटा सा फलसफा है, शायद आपको समझ आ जाए। जरदारी दौर में आसिया मरून गुस्ताख औरत ने गुस्ताखी की नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जरदारी ने उसको कैद कर दिया। हालांकि हदीस शरीफ है मन सबा नबियन फक्तुलुहु, यानी कि जो बंदा नबी की शान में गुस्ताखी करे वो वाजिबुल कत्ल है, ये हदीस शरीफ है। और जो बंदा हदीस ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है बेशक। तो जरदारी ने हदीस शरीफ पर अमल नहीं किया, उस औरत को कैद कर दिया। पाकिस्तान का कानून आप गूगल कर सकते हैं, 295C, 295C का मतलब है जो बंदा नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको रियासत जो है वो सजाए मौत देगी। जरदारी ने 295C पर भी अमल नहीं किया। जरदारी दौर के बाद आता है नवाज शरीफ 2013 में, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ का दौर था। नवाज शरीफ ने भी उस औरत को हैंग नहीं किया, सजाए मौत नहीं दी। नवाज शरीफ ने बल्कि एक नया काम किया कि मुमताज हुसैन कादरी को हैंग कर दिया। वो आशिक़ रसूल बंदा था जिसको हैंग कर दिया गया और इसी वजह से नवाज शरीफ पूरी दुनिया में जलीलो खुवार हुआ। 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर था, उसने भी उस औरत पर एक्शन नहीं किया, यानी कि हदीस शरीफ पर अमल नहीं किया। हदीस शरीफ मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, मन सबा नबियन फक्तुलुहु, जो बंदा नबी की शान में गुस्ताखी करे वो वाजिबुल कत्ल है। ये मैं नहीं कह रहा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है और 295C पाकिस्तान का कानून है। 2018 में रियासत मदीना का दावेदार आता है जो कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। 2018 में जब वो आया तो उसने भी इस हदीस शरीफ पर अमल नहीं किया, उसने भी उस औरत को हैंग नहीं किया, यानी कि तख्तेदार पर नहीं लटकाया, और 295C पर अमल उसने भी नहीं किया। ये सब अपने वादे करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो झूठे वादे आप लोगों से करते हैं, जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो फिर आपके हल्के में नजर नहीं आते। खान साहब कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, अब यही बात नवाज शरीफ कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सिर्फ इनका इलेक्शन मंशूर है, इलेक्शन के बाद ये भूल जाते हैं आपको कि आप लोग भी हैं, ये आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं। जब तक दीन तक पे नहीं आएगा मुमकिन नहीं कि आप लोग तरक्की करें, मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। अगर पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं तो दीन को तक पे लेके आए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सूद मेरे खिलाफ जंग है। अब अल्लाह के खिलाफ कोई जंग जीत सकता है? बताएं, आप हाथ खड़ा करके बताएं, अल्लाह के खिलाफ कोई जंग जीत सकता है? और ये लोग IMF से कर्ज जो लेते हैं क्या वो सूद नहीं लगाता? परसों की रिपोर्ट है कि IMF ने शराय सूद जो है 22% कर दिया है, 22% शराय सूद को बढ़ा के 22% कर दिया गया है। तो IMF से कर्ज लेते हैं और फिर तरक्की कर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इनकी जान क्यों जाती है? लबैक वाले कहते हैं कि आप हमें वोट दें, हम जिहाद स्टार्ट करेंगे, सूद का निजाम खत्म करेंगे। अब आपने फैसला करना है कि वोट किसको डालना है। अल्लाह हाफिज़।